अक्षर थे, पिछले दिन आप लोग स्वर वर्णमाला पढ़ चुके हो, आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, व्यंजन के वर्णमाला पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो व्यंजन के वर्णमाला में क्या होता है, इतने सारे अक्षर होते हैं, अब इस अक्षर को कैसे उच्चारण करते हैं मैं आपको वो करके बताऊंगी। क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह छ त्र ज्ञ श्र ड ड, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये सारे जितने भी मैंने आपको वर्ण बताए, आपको इस वर्ण को उसी तरीके से उच्चारण करने हैं। तो मैं आपको अब क्या यहाँ देखो, आपके बुक में पन्ना नंबर छह पन्ने से देखो, यहाँ आपके बुक में दिए गए हैं अक्षरों के साथ इतने सारे चित्र, हर एक अक्षर के साथ चित्र दिया गया है। तो मैं आपको अब इन चित्रों को पढ़ के बताऊंगी, आई बात समझ में आपको, मैं अभी ये चित्र को आपको दिखाती हूँ, दिखा के आपको मैं बताती हूँ एक एक अक्षर के उच्चारण आप किस तरीके से करोगे, चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, व्यंजन जितने वर्ण, व्यंजन के जितने वर्णमाला है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ। तो क से कबूतर, क क से क्या है, कमल, क से कबूतर, क से क्या है, कछुआ, ख से क्या है, खरबूजा, ख से खरगोश, ख से खाना, ग से क्या है, गमला, ग से गाय, ग से गाजर, मैं ग दोबारा बोल रही हूँ, ग से गमला, ग से गाय, ग से गाजर, ग से गमला, देखो सिर्फ इसी गमले को कहा गया, इसके ऊपर जो पेड़ है उसके बारे में ये नहीं बोला है, घ से घड़ी, घ से घर, घ से घड़ा, यहाँ देखो एक चीज नहीं दिया, ये बुक में गलत है, जो क्या है क ख ग घ, अब क्या है एक अंग है जो यहाँ नहीं दिया गया है, आपको यहाँ एक अंग लिखना है, ठीक है, इस तरीके से एक अंग आपको लिखना है, तो आप ये लिख लीजिएगा, यहाँ ये यहाँ गलती से बुक में नहीं आया है। तो क ख ग घ अंग, च च से क्या है, चम्मच, च से चश्मा, च से चटाई, ठीक है, चटाई मतलब जिसे हम लोग जमीन के ऊपर डाल के बैठते हैं, छ से क्या है, छतरी, छ से छड़ी, छ से छत, छत मतलब घर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो जिससे हमारा घर ढका रहता है उसे क्या कहते हैं, छत, ज से क्या है, जहाज, ज से जग, ज से जलेबी, झ से क्या है, झंडा, झ से झरना, झ से झाड़ू, और यहाँ से कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि इनसे कोई शब्द होता नहीं है, ये बस वर्णमाला में दिया गया है। ट से क्या है, टमाटर, ट से टोकरी, ट से टब, ठीक है, चलो दूसरे पन्ने पे जाओ। ठ से ठटेरा, ठ से ठेला, ठ से ठप्पा, ड से डमरू, ड से डबल रोटी, डबल रोटी मतलब जो जो क्या होता है, मैदे से बनती है, जो रोटी हम लोग घर पे खाते हैं वो नहीं, जिससे दुकान से जो खरीद के लाते हैं, जो जो एक एक भागों में विभाजित, छोटे छोटे टुकड़ों में कटा रहता है, जो दिखने में ऐसा होता है, तो इसे क्या कहते हैं, डबल रोटी। और क्या है, डंडा। ढ से क्या है, ढक्कन, ढ से क्या है, ढफली, 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 ढ से क्या है, ढोलक, ठीक है, ये दोनों ही एक संगीत का एक, इसको बजा के ही एक संगीत का धुन तैयार होता है, ठीक है, और ये क्या है, अन, ठीक है, इससे भी क्या होता है, कोई शब्द होता नहीं, ये खुद से कोई शब्द बना नहीं सकता,
ठीक है, इसलिए यहाँ दिया नहीं हुआ। यहाँ देखो सारे शब्द क्या है, ये खुद से बने, मतलब पहला शुरुआत ही हो रहा है इसी से शब्द, बट इन शब्दों से क्या होता है, कुछ भी शब्द शुरुआत नहीं होती, मतलब शुरुआत में जैसे ये सारे शब्द है ये नहीं होते, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया है। आशा करती हूँ मैं आपको ये समझा पाई। त से क्या है तरबूज, त से क्या है तबला, त से क्या है ताला, थ से थर्मस, थ से थाली, थ से धन, द से क्या है दबाए, द से क्या है दर्जी, द से क्या है दड़ी, ठीक है। अब ध, ध से क्या है धनुष, ध से धन, ध से धागा, न से नल, न से नाव, न से नदी, प से पतंग, प से पपीता, प से पहाड़। आशा करती मैं आप ये सारे जितने भी शब्द मैं पढ़ाई अब तक आप घर पे भी देखे हो, घर से बाहर भी देखे हो, या कहीं घूमने गए होंगे वहाँ भी ये सारे शब्द आपके लिए परिचित पहले से ही है। अच्छा, दूसरे पन्ने पे आए अभी, फ, फ से फल, फ से फवड़ा, फ से फवारा, ब से बकरी, ब से बतख, ब से बस, भ से भगवान, भ से भवन, भ से भगत, म से मछली, म से मटर, म से माला, य से यज्ञ, य से या, य से योद्धा, र से रस्सी, र से रबड़, र से रजाई, जिसे हम लोग सर्दियों के समय इस्तेमाल करते हैं, जिसे हमें सर्दी उतनी ना लगे, रजाई ओढ़ने से हमें थोड़ी गर्मी लगती है, जिसे हम लोग कंबल भी कहते हैं, पर हिंदी के शुद्ध भाषा में रजाई कहा जाता है उसको। ल से लड़की, ल से लट्टू, ल से लड्डू, व से वक, व से वर्षा, व से वन, वन मतलब जिसे हम लोग जंगल कहते हैं, श, श से सलगम, श से शस्त्र, श से शरबत, और शह, शह से, इससे कोई शब्द नहीं है, इससे शब्द है पर यहाँ दिया नहीं गया है, इसके शब्द क्या होते हैं षटकोण, पर यहाँ हो सके गलती से दिया नहीं होगा, पर इससे शब्द क्या होता है षटकोण, ठीक है। स, स से क्या है सपेरा, स से सांप, स से सड़क। आशा करते हैं आपको तीनों स्वरों का अलग अलग सुर समझ में आए होंगे, श, स और स, ठीक है। अब ह, ह से हथौड़ा, ह से हलवाई, ह से हाथी, छ, छ से क्षत्रिय, छ से क्षमा, त्रि से त्रिशूल, त्रि से त्रिभुज, ज्ञ से ज्ञानी, श से श्रमिक, अश्र से आश्रम, ठीक है। ये श्र उच्चारण जैसे होगा मैं कर रही, थोड़ा ध्यान से सुनो आपको समझ आई होगी, श्र, श्र से श्रमिक, श्र से आश्रम, ड से लड़का, ड से घड़ा, ड से घड़ी, और ड पढ़ना, पढ़ाई, पढ़, और ये ड से गढ़, तो ड से पढ़ना, ड से पढ़ाई, और ड से गढ़। आई थिंक आपको उच्चारण समझ में आई होगी। अब पढ़ो और याद करो, तो ये आपको क्या करना है, पढ़ना है और याद करना है। कैसे करोगे, देखो मैं बोल रही हूँ सुनो और इसको मेरे बात बात कहो, अ आ ई, ई उ, ऊ री ए, आए ओ औ अं आ, क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न अन, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व
श, ये क्या है श। फिर देखो यहाँ तीन श एक साथ है, मैं एक साथ उच्चारण कर रही हूँ, थोड़ा सुनो अच्छे से, श शाह, और ये स, ठीक है। ह छ त्र ग्य, और ये छ्र ड, और ये ड, ठीक। तो बच्चों आज हमारी पन्ना नंबर 14 यही क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म का आखिरी सिलेबस है, तो मैं ये दोनों कविता पढ़ रही हूँ, मेरे साथ आप बोलो। जय जय भारत, जय जय हिंदी, हिंदी है भारत की बिंदी, यही राष्ट्रभाषा है अपनी, यही मातृभाषा है अपनी। भाषा अब दूसरा मैं पढ़ रही हूँ, और इसको फिर से मैं और एक बार इन दोनों को पढ़ दूंगी, अभी ये पढ़ रही हूँ, मेरे साथ कहो। भाषा पढ़ने या लिखने को या कुछ कहने को मुंह खोले, आखिर हम भारतवासी हैं, बात करे तो हिंदी बोले। फिर से दोबारा ये मेरे साथ बोलो। जय जय भारत, जय जय हिंदी, हिंदी है भारत की बिंदी, यही राष्ट्रभाषा है अपनी, यही मातृभाषा है अपनी। भाषा पढ़ने या लिखने को या कुछ कहने को मुंह खोले, आखिर हम भारतवासी हैं, बात करे तो हिंदी बोले, हिंदी बोलो। आपको आशा करती ये समझ आई, और जितना मैंने पढ़ाया है स्वर व्यंजन आपको आशा करती याद हो गए होंगे, आपको ये पूरे याद करने हैं, और इसी के बाद से आपको अपने परीक्षा के लिए बार बार इसी को अभ्यास करना है, ठीक है। धन्यवाद।